अरे विक्रम, ये तो डेड एंड है यार, और कितनी दूर जाना है हमें? यार बिट्टू ने तो कहा था कि उसकी क्लासेस यहीं कहीं हैं। तू रुक, मैं पता लगा के आता हूँ। चल जल्दी जाके। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से गेटवे जाने के लिए लॉन्च कहाँ से मिलेगी? सॉरी आई हैव नो आइडिया, लेकिन सामने वो पुलिस चौकी दिखाई दे रही है, वहाँ पे जाके पूछिए, शायद वहाँ पे पता चले। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं गेटवे की लॉन्च कहाँ से मिलेगी? हाँ आजा आजा। जाती कहाँ इंद्रा? अबे जाएगी कहाँ तुम, उससे बच के आजा। क्या हो रहा है? ये छोकरी धंधे वाली है, मैं इसको अरेस्ट कर लेला। चल तू जा, आप उनको ड्यूटी करने दे। वो तो देख रहा ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, दारू के साथ साथ शराफत भी चेहरे से टपक रही है, आईना दू क्या? तुझे आईला, तेरे बाप की दारू पिए क्या मैंने? चल निकल यहाँ से, वरना तेरे को भी अंदर कर दूंगा। चल। ए, लोकल हूँ मैं, लोकल। अब अगर तूने इस पे हाथ भी उठाया ना, माँ कसम हाथ तोड़ दूंगा तेरे। पुलिस वालों की लड़की पे हाथ उठा रहा साला, दारू पीता है ड्यूटी पे, पुलिस वालों की लड़की पे हाथ उठा रहा साला, साला पुलिस वालों की लड़की को चेकता है, हाँ दफना दूंगा तुझे, पुलिस वालों की लड़की पे हाथ उठा रहा है, तुम जैसे लोग पुलिस वालों का नाम बदनाम करते हो, तुम जैसे लोग, तुम जैसे, अबे अबे अरे छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ छोड़, इसकी तो मैं मार दूंगा, साले दारू पीता है, पुलिस वालों से दारू पीता है, छोड़ छोड़ दे, मैं दारू पीता है साला, अबे साले क्या भागेगा तू? रॉकी अब क्या हो रहा है? रॉकी इंस्पेक्टर साहब, ये साला हवलदार दारू पी के इस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा था। अबे इधर आ साले, इधर आ, तुम जाओ यहां से, इसे देखना हमारा काम है। तुम क्या देखोगे इंस्पेक्टर साहब, अब सब काम हमें खुद देखना पड़ेगा। उठ गया भरोसा तुम सबसे, उठ गया भरोसा। पहले पुलिस का नाम सुनकर गुंडे भागते थे, अब पुलिस का नाम सुनकर पब्लिक भागती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इंस्पेक्टर साहब, शर्म आनी चाहिए। रॉकी, सरकारी अफसर पर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, जानता हूं, जानता हूं। इसी का फायदा उठाकर अपनी वर्दी दिखाकर आम इंसान को डराते हो ना। फेंक दीजिए इस वर्दी को, उठाकर फेंक दीजिए इस वर्दी को। अबे हट, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इंस्पेक्टर साहब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। सिन्हा साहब, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हवलदार को तो सजा मिलेगी ही, लेकिन प्लीज आप अपने बेटे रॉकी को समझा दीजिए कि वो आइंदा कानून को अपने हाथ में ना लें, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है वो। थैंक यू। हवलदार, रॉकी को छोड़ दो। रॉकी। हाय मदर। तू कहाँ था सारा दिन? जस्ट ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस मॉम। वाओ खीर। तू क्यों पड़ता है इन झमेलों में? मत पूछ मॉम। कैसी है खीर? टेरिफिक। तो खाओ ना, और खाओ। खिलाओ खिलाओ, इसे खीर खिलाओ, बादाम का हलवा भी बना के दो, नहीं तो मार खाने की ताकत कहाँ से आएगी? कहाँ से आ रहे हैं आप इतने गुस्से में? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? ऐसा क्या कर दिया आपने? मैंने नहीं, आपके इस सो कॉल्ड लाडले ने। पुलिस वालों पे तो गुंडे भी हाथ उठाने से डरते हैं, लेकिन ये वो गुंडे हैं इसलिए डरते हैं, मैं क्यों डरूं? हाँ ये क्यों डरे, ये कोई गुंडा है। अब कसर क्या बचे इसके गुंडा बनने में? अगर उस पुलिस ऑफिसर को मेरा लिहाज नहीं होता तो जनाब इस वक्त जेल की सड़ी हुई दाल और घुन लगे हुए आटे की रोटियां तोड़ रहे होते।
आपको कैसे पता है कि वहाँ पे ऐसा खाना मिलता है? आपके कैरेक्टर को देखते हुए सारी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। लेकिन इसने किया क्या है? कुछ खास नहीं, बस एक पुलिस ऑफिसर को सरेआम पीट दिया। Mother, he was trying to rape a girl. Mutual understanding भी तो हो सकती है। Mutual understanding से rape होता है? Oh, आप तो rape पर PhD करके बैठे हैं ना? Look, everything is possible. आप ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? You keep quiet. मैं पूछता हूँ, आपको जरूरत क्या है किसी के फटे में टांग अड़ाने की? यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का ठेका ले रखा है आपने? Look at me when I'm talking to you. अपने आपको क्या समझते हैं? पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, क्या है आप? I'm a responsible citizen. Responsible citizen. अगर इसका बस चले तो बीच बाजार में बाप को भी बेच देगा। खरीदेगा कौन? रॉकी। पहले एक जिम्मेदार बेटा बनकर दिखाओ, उसके बाद एक जिम्मेदार शहरी। अंडरस्टैंड? यहाँ और कोई नहीं है इस शहर में। Stop it. सुनी तो हाँ डैड, है पूरी भीड़ है जिसे अपने अलावा और किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन शिकायत जरूर करेंगे, कंप्लेन जरूर करेंगे कि सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है। But where is the responsibility? It's because of people like you, Dad. This country is going to the dogs. अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं ले जाते, क्योंकि ऑफिस जाने में देर हो जाएगी ना। अगर कोई गुंडा किसी को लूट रहा है तो मुंह फेर लेते। ऐसे ही लोग एक सड़क छाप गुंडे को डॉन बना देते, और जब टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट कवर पेज पे सेलिब्रिटी की तरह उसकी तस्वीर छपती है तो आराम से कॉफी पीते और फिलोसफी झाड़ते कि इस देश का क्या होगा, क्या होगा इस देश का। यू नो माना, अगर मेरी जगह इनके जैसे कोई आदमी होता ना तो शायद पुलिस वाला से यही कहता कि भाई साहब मैं आपकी कुछ मदद करूं, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इनके कपड़े फाड़ने में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग माय फुट। वाओ, गरम गरम पकौड़े। गरम है? सिली, क्या बात है, नौकरी मिली? क्या बताऊं मदर, ये कोई 10-12 कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिया। अब समझ में नहीं आ रहा हूँ किसे ज्वाइन करूं। टाटा, बिरला, इंफोसिस, यू नो। रियली? आप आ गए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। पहले आप इन्हें खिलाइए, बेचारे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, मैं आपके लिए एक जोड़ी जूते और लाया हूँ। अच्छा, किस लिए? स्ट्रगल करते करते घिस गए होंगे। ओके ओके। What nonsense is this? This is too much, mother. तू कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? बिजनेस बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है मदर। आजकल हर चीज के लिए लोन मिलता है। लोन? यू आर राइट। हाँ, पान की दुकान, वड़ा पाव स्टॉल, हर एक काम के लिए लोन मिलता है। तू एक बैंक वाले को क्यों नहीं पकड़ता? बैंक? बैंक वाला पकड़ लिया। वू! गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो साइबर कैफे के लिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए? यस यस, ऑफ कोर्स, आई मीन हाँ। कुछ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी लाइक घर, प्रॉपर्टी? बैंक नीड सम सिक्योरिटी। हाँ हाँ, है ना, आई मीन अपना इतना बड़ा घर तो है ना डैड? नो डैड, सर। सर, मैं उस घर को रेस में किसी लंगड़े घोड़े पर लगा सकता हूँ, आपके ऊपर नहीं। लेकिन मैं कोई लंगड़ा घोड़ा। एनीथिंग एल्स? नो डैड, आई मीन सर, थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस इन मी।
क्या यार रॉकी, तू तो कह रहा था तेरे डैडी आंख बंद करके साइन कर दे। अरे यही तो प्रॉब्लम है यार, देखा नहीं yes, उनकी आगे खुली थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? अरे जनरल मैनेजर, चलो साले जीतरो भाई, क्या बात है रॉकी, अपनी पूरी गैंग के साथ आए हो? कहीं बैंक लूटने का इरादा तो नहीं? इरादा तो वही है सर, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पे। रखनी पड़ती है बेटा। सर क्या है ना कि हमें साइबर कैफे लीज पे मिल रहा है, तो हमें 10 लाख का लोन चाहिए सर। तो हो गया ना? नहीं सर, लेकिन डैड मना कर रहे हैं सर। What? Oh, I get it. You being his son and favoritism and all that. We'll just rectify that. Mr. Sinha, please come in. By the way, Rocky, वो मल्होत्रा की पार्टी में तुमने जो डांस किया था ना, it was mind blowing. Thank you very much, sir. Sir, वो तो आपकी का कमाल था सर। कहो तो यहाँ एक और मंगवा दूँ? I don't mind. Mr. Sinha, ये रॉकी को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। I think we should help out the young man. मैंने 10 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया है। लेकिन सर, सिक्योरिटी कौन देगा? आप? मैं? You are the biggest security. आप गारंटर पे साइन कर दीजिए। और बता रॉकी। बस सर आपकी। अरे रॉकी, अगले महीने मेरी बेटी शैरन की बर्थडे पार्टी है यार। You and your friends must come and dance, boy. But you have to get the double the quantity. लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? रॉकी का लोन पास हो गया। किस बैंक से? किस बैंक से रॉकी? डैड के बैंक से मदर। डैड के बैंक? आपने पास किया? So sweet of you. इन्होंने नहीं, इनके बॉस ने, इन्होंने फाइल लेके फेंक दी थी। फेंकता नहीं क्या? किस बेसिस पर लोन सैंक्शन करता? After all, what is your educational qualification? Just a simple graduation और वो भी? Dad, jobs के लिए qualification चाहिए होते हैं, loans के लिए नहीं। हाँ, loan तो बाप का माल होता है, हड़प जाओ। हाँ, तो आपके बॉस ने कैसे सैंक्शन किया? मुझे गिरवी रखकर। वैसे भी आप बैंक में ही रहते हैं। मैनेजर बनकर रहता हूँ, collateral security बनके नहीं। ये अगर वापस नहीं करेगा तो बैंक मेरी गर्दन पकड़ेगा। ऐसे कैसे वापस नहीं करेगा? जिम्मेदार लड़का है। इसी बात का तो मुझे डर है, हर गलत चीज के लिए जिम्मेदार बन जाता है। लेकिन आपके बॉस ने इसमें कुछ तो देखा होगा। मेरा खून देखा इसमें और कुछ नहीं। थैंक यू, वरना आप ये भी नहीं मानते। स्टॉप इट। जिस दिन ये बैंक लोन वापस कर देगा, उस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा। डैड प्लीज ऐसे मत कीजिए, वरना कल ही लोन वापस कर दूंगा। क्या? रॉकी के साइबर कैफे पे आप सबका स्वागत। इससे बढ़िया नहीं हो सकता भाई, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल। वाओ, मिस इंडिया 2006। कौन हो तुम? मिस्टर इंडिया। तुम्हारे बाल डिस्टर्ब मत कर यार। एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम? हाँ। क्या? एक लड़की
अरे लड़की प्रॉब्लम नहीं होती यार। ए, टेबल के नीचे यार। हाँ, टेबल के नीचे। हाँ। प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ? हेलो एक्सक्यूज मी। चलो लड़की को ढूंढो। लड़की कहाँ है? लड़की तूने देखी क्या? नहीं तो तूने? ए बताओ लड़की कहाँ है? अरे कौन सी लड़की? ए तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या हुआ भाई साहब? लड़की कहाँ है? हाँ? कौन सी लड़की? यहाँ तो बहुत सारी आती है। चाने चुप कर। लंबे बाल वाली, ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर, स्लिम, फैट, ऑल काइंड्स। जल्दी बोल, जल्दी बोल। एक मिनट भाई साहब, कहीं तो वो ब्लू कुर्ती वाली, हाँ, काले लंबे बाल, हाँ वही, खूबसूरत आंखें, सही बचाना, हाँ? चल बता कहाँ है। वही है ना? अरे भाई, अरे बोलना कहाँ है? मैं बताता हूँ, वो बाहर गई। चल चल जल्दी चलते हैं, हाँ? जा ऊपर। यारो इसकी तो गई। अरे देख, अरे 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 ये भी गई ये तो। अरे सुनिए, तेरे को बोला ना यार कहाँ है लड़की, बताना यार। तेरे को मालूम है फिर भी तू ये कर रहा है। खूबसूरत आंखें, हाँ बराबर बोल रहा है। चल हट, लड़की को छेड़ता है। एक और दूं क्या? ए, देख हाथ नहीं लगाना, मैं पहले ही बोलता हूँ तेरे को, हाथ नहीं लगाना तू। शर्म आती तो लात लेना। हट, अबे हट, 26 कहीं के मच्छर माफिया। ए, तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ, तू जानता नहीं मैं एंथनी का आदमी हूँ, एंथनी का। ओ शिट यार, फिर तो और इज्जत उतारनी पड़ेगी। एंथनी का आदमी? कौन है एंथनी? अच्छा ये बता साले, ये एंथनी कोई मिनिस्टर तो नहीं है ना? पुलिस वाला तो नहीं है ना? फिर उसे रॉकी का सलाम देना। साला पता नहीं कहाँ से। ये रुक 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 रुक, बस बस। विकी रॉकी डिस्टर्ब मत कर, बहुत सही गेम चल रहा है यार। तुम साले ठरकी लोग, शर्म तो करो यार, मदद भी नहीं करने आया बात। अरे वो तेरा काम था और ये हमारा काम है। ले रहा हूँ यार, ले रहा हूँ साले। अच्छा विकी, वो लड़की कहाँ है यार? वो तो भाग गई। हाँ भाग गई, हाँ। और ये तेरे लिए छोड़ गई, ले पकड़। थैंक यू भी नहीं बोली। नो प्रॉब्लम। ए जैसे बहुत टेंशन में लग रहे हैं। एंथनी सर कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? मैं उस रॉकी को छोड़ूंगा नहीं। कौन रॉकी यार? अरे वो साला साइबर कैफे वाला यार। यार रिलैक्स, ये छोटे मोटे मैटर में एंथनी भाई को काय को तकलीफ देने का यार, इसके लफड़ा सुलझा रहे। एंथनी सर, मैं चल रहा हूँ ना बेटा, मुझे बता कौन है रॉकी। चल रिलैक्स यार, चल चल ना, औरंगा छोड़ना नहीं इस रॉकी को। चल इधर है वो। ओए तू फिर वापस आ गया, क्या चाहिए तेरे को? अबे अच्छा छोंदर, रॉकी कहाँ है? चल चल चल, निकल यहाँ से, चल 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 चल। बेटा बता दे रॉकी कहाँ है। एक बारी बोला, समझ में नहीं आता क्या? नहीं है यहाँ पे। चल बता रॉकी कहाँ है। ए चलना, जगह खाली कर, चलना। तूने अपनी दुकान का हाल तो देख लिया ना, अब वही हाल मैं तेरे दोस्तों का करने वाला हूं। एड्रेस लिख, किला बार, जेपी रोड,
चौधरी वेस्ट, मुंबई 400058. यही है रॉकी। आई एंथनी डूड हाउ। वाह, तो तू रॉकी है? हाँ। तो तूने एंथनी के आदमी को मारा? हाँ। शिट यार, ये काट है। साले विक्की कहाँ यार? तू तो मारे यार। अरे यार, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ यार। ये क्या है? बॉम्ब। मैं फट जाएगा। पता है, इसलिए तो लाया हूँ। अबे तू भी मर जाएगा। अबे बॉम्ब। अरे बच्चा बॉम्ब। अरे साले। ओए मच्छर माफिया। रॉकी से पंगा। तेरी तो अबे ढक्कन, कभी गाजर का बॉम्ब खाया? खाले खाले गाजर। ए हट हट हट, मैं खाऊंगा। हट हट टमाटर। बैंगन ले 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 दे। अरे हम रस्ते पर एक शरीफ आदमी बिट रहा है और पब्लिक हंस रही है। नॉनसेंस, शिफ्ट कंट्री। चल निकल, चल 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 निकल। शट अप, भाग रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है दुर्योधन की सभा में आ गया हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर द्रौपदी की साड़ी का वस्त्रण हो रहा था और यहां पर इस बेचारे शरीफ आदमी की इज्जत का वस्त्रण हो रहा है और आप लोग हंस रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम सब लोग जानबूझ के धृतराष्ट्र की तरह अंधे बन करके तमाशा देख रहे हो। अरे क्रिकेट मैच में एम्पायर उंगली तो उठाता है, कुछ बोलता नहीं है, पर उंगली तो उठाता है। और यहां पर मुझे तुम्हारी बॉडी में से कुछ भी उठता हुआ नजर नहीं आता। बस गाड़ी पे लिख दिया, रिक्शा पे लिख दिया, ट्रक के पीछे लिख दिया, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। बस हो गई आपकी देशभक्ति। डोंट वरी ब्रदर, मैं हूं ना, मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। ओके, गेट अप। क्या हुआ? अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सब पहरे, सब पहरे, चिल्ला मत भाई। क्या हुआ? पानी, पानी। ओ गुड आइडिया, पानी, पानी। थैंक यू, गुड आइडिया। अबे मेरे को पानी। सॉरी सॉरी। कुछ नहीं, पर शराफत का जनाजा उठ रहा है। Why don't you join me? नहीं, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है। आपका भाई मर रहा है यहाँ पर। तुम? ये सचमुच आपका भाई है? Shut up, shut up! किसने मारा इसे? मैंने। आपने? मतलब मैंने उस आदमी को देखा जिसने इसको मारा है। ओ, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ के लिए फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे लोग मुझे प्रोफेसर भीमसेन क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। ओ, आप गवाही देंगे? गवाही? ऑफ कोर्स दूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर भीमसेन क्रांतिकारी। इंस्पेक्टर, आप जहां पर भी बुलाएंगे वहां आकर मैं गवाही दूंगा, दूंगा, दूंगा। उस गुंडे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, समझ रहे ना आप? चलिए इंस्पेक्टर, कम ऑन। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। डोंट वरी ब्रदर, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं हाईकोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ए, खाली करो, चलो। ए, नाटक रही तुम लोग? ए, चुप रे, मॉन्टी लाइट बंद कर। ओए चलो चलो चलो, बाहर बाहर बाहर। ए ए, कर कर तुम लोग। अरे रुको यार। ए ए, रॉकी, एंथनी अपने गैंग के साथ तेरे साइबर कैफे में घुस गया है।
एंथनी, एंथनी नाम है मेरा। सुना है तूने मेरे ही क्लब में तोड़फोड़ किया, मेरे ही आदमियों को उखाड़ कर मारा। तेरा ये शौक कितना भारी पड़ सकता है, कभी सोचा है तूने? क्या नाम है इसका? रॉकी। कलर जाए तेरे में, मजा आया तुझसे मिलके। यू नो व्हाट ब्रो, आई लाइक यू, आई लाइक योर स्टाइल, आई लाइक योर गट्स। बस बहुत हो गई मेरी तारीफ, पता किस लिए आया? वो क्या है ना, अब उन थोड़ा असूल वाला आदमी है, पहले ऑप्शन दे देता है। तेरे लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अब उनके लिए काम कर, फिर चाहे जितना लफड़ा, मारा मारी, मर्डर जो करने का कर, आप उन संभाल लेगा। दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगली बार एंथनी का लाइन नहीं क्रॉस करने का। ए एंथनी, तीसरा ऑप्शन मैं तुझे देता हूं। मेरी सलामान, ये गुंडागर्दी, मारा मारी सब बेकार की बातें हैं। क्यों ना तो एक अच्छा आदमी बन जाए यार, कुछ सोशल सर्विस कर ले, यू नो, जॉइन द रेड क्रॉस, सेव द चिल्ड्रन, एड्स, स्पैस्टिक सोसाइटी, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा यार। क्यों, है ना अकलमंदी की बात? बहुत जोश है तेरे में, आई लाइक इट। अगर अपन चाहता ना, देखो तरीच काट के काट देता। देखो देखकर अपन का बचपन याद आता है। तेरा ये पंच मुझ पे उतार रहा। गुड मॉर्निंग सर। प्रोफेसर क्रांतिकारी का बंगला यही है? प्रोफेसर भीमसेन क्रांतिकारी मैं हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका जबरदस्त फैन हूँ सर। कल आपने जो डेयरिंग दिखाई ना सर, तब से मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। क्यों ऑटोग्राफ सर? इसकी क्या जरूरत है, आई डोंट बिलीव इन पब्लिसिटी, यू नो। कहाँ साइन करना है? यहाँ पे सर। मुझे सेलिब्रिटी मत बनाओ यार। हाथ मत धोना। वैसे मैं छोटा मोटा काम करके भूल जाता हूँ। लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ सर, और आज के बाद आप भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका इलाज है। क्या ये क्या है सर? इसे मेमोरी बूस्टर कहते हैं सर, और इसे खास तौर से आप जैसे क्रांतिकारियों के लिए बनाया गया। क्या मतलब? मतलब साफ है सर, जिन लोगों को विटनेस बनने का बड़ा शौक है उनके लिए सर। तुम हो कौन? रॉकी सर। रॉकी? वो गुंडा जो कल क्लब के बाहर एक शरीफ आदमी को पीट रहा था। वो तो कल की बात है सर, मैं तो रोज एक शरीफ आदमी को सरेआम पीटता हूँ, और आज आपकी बारी है। दिस इज अ प्राइवेट हाउस, दिस इज अ प्राइवेट स्टेक। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस, 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 क्यों बे? तुम मुझे हॉकी से नहीं मार सकते। अच्छा,
ये चलेगा? चल फटाफट बोल यार, मेरे पास बहुत कम टाइम है। ये या ये, क्विकली क्विकली, फास्ट फास्ट, कम ऑन, गुड बॉय। मैं भी यही सोच रहा था। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक बहादुर
और दूसरे डरपोक। जैसे कि बहादुर ने सोचा कि उसे हवा में उड़ना है तो वो प्लेन बनाता है, डरपोक ने सोचा अगर प्लेन बंद होके गिर गया तो पैराशूट बनाता है। हालांकि दोनों क्रिएटिव है लेकिन मैं बहादुर के साथ हूं। मैं जाबाज लोगों के साथ हूं। एक शायर ने इसी चीज को अपने खूबसूरत अंदाज में यूं कहा है। आज वो एब्सेंट है तो अर्ज किया है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मैं क्या कह रहा था? आप जिंदा दिली पर एक शेर सुना रहे थे। जिंदगी मुर्दा दिली का नाम है, जिंदा दिल क्या खाक जीते हैं। ये आपने ठीक डील किया, बहादुरी की बातें करते करते चोरों की तरह भाग निकले। सब लोग हंस रहे होंगे भैया। उन्हें हंसने तो नहीं आ, नाउ आई रियलाइज कि एक कुंवारी बहन के होते हुए दुनिया का कोई भी भाई बहादुर नहीं हो सकता। भैया तो भी ऐसे डरने की क्या जरूरत थी? हाँ जी सरदार जी, कौन सी बत्ती चमक रही है? ओ जी रेड। और आपके स्कूटर का पहिया कहाँ पे? रोड पे जी। वो तो मैं भी जानता हूँ रोड पे कहाँ है। ओहो जरा सा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, की फर्क पैंदा है? की फर्क पैंदा? आप जानते हैं कश्मीर का बॉर्डर अगर आपने इतना सभी क्रॉस किया तो पाकिस्तानी सोल्जर्स आपके पैंदे में इतने सारे गोली चलेंगे कि आपका पैंदा कहीं नजर भी नहीं आएगा। ओ जी गलती हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अरे जिंदगी में आगे बढ़ो, रोड पे नहीं। आप जैसे लोग सिग्नल तोड़ते हैं और कई सारे मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने सारे लोग एक्सीडेंट में मरते हैं आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता है। इग्नोरेंस। आप जैसे लोगों को रस्ते में केले का छिलका फेंकना आता है, च्युइंग गम थूकना आता है, पान थूकना आता है, ये करना आता है और पॉपुलेशन बढ़ाना आता है, लेकिन 2 रुपए की वो चीज खरीदना नहीं आता। कमाल है, वो चीज तो मैं रोज ब्रेड पे लगा के खाता हूँ। अरे उस चीज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज का बात कर रहा हूँ। किस चीज की? अरे जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो मैं जेब में रखता हूँ। जेब में रखते? ये आपकी गलती नहीं है। सरकार को आपको एजुकेशन देनी चाहिए, ये जेब में नहीं रखना चाहिए, समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे लोग होली में इसमें रंग और पानी भर के खेलते रहते हैं, इसका आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? टाइम पे भूल जाता हूँ यार। पीपल लाइक यू शुड बी कंडम्ड। मतलब मेरा मतलब है कंडेम्ड। भाई माफ करना, आगे से लाल बत्ती देख के ना 10 फीट पीछे जाके रोकूंगा, सारा ट्रैफिक निकल जाने के बाद में फिर निकलूंगा। क्या वो स्कूटर? प्रोफेसर भीमसेन क्रांतिकारी। नाइस मीट यू। गुड गुड। एस्केप। भागो। कमाल है, बॉर्डर नहीं पूरा पाकिस्तान क्रॉस कर गया, लगता है इसका पेंदा मजबूत है। हाय ला जुनून हे। सॉरी यार। आज शाम को इस साले एक मिनट क्या फोटो आ रही है? अबे ओ चीनू मीनू, मोबाइल से गंदी फोटो निकालता है क्या भाई? हाँ कुछ नहीं किया। हाँ अच्छा शौड़ा बनता है अभी? नहीं शौड़ा बन रहा है। ओह हट, अबे मच्छर हट। क्या
क्या फिर से? ए मोबाइल दे, चल चल चल। इधर भी गुंडागर्दी शुरू कर दी। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो किसी ना किसी को मारते रहते हो। लेकिन मैं तो What is your problem? Just shut up. ये एक नंबर का गुंडा है, मैं जानती हूँ इसे। शरीफ लोगों को मारना इसका धंधा है। मेरा यू आप लोग जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अबे नन्ने मुन्ने मुआ, अरे इधर आ, चल फोन दे। हट। ओए मैडम, ये देखिए, ये आपकी तस्वीर है और वो लड़का ले रहा था। अगर मैं उसे नहीं पकड़ता ना, तो कल सुबह इंटरनेट पे आप सेलिब्रिटी बन जाती। लेकिन सॉरी, मुझसे गलती हो गई भाई, आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। ओके सॉरी। लो भाई यार, माफ कीजिए मुझे यार, जो कुछ भी करना है इंटरनेट पे, जी टीवी। इडियट, पहन नहीं है तेरी कोई? यू डर्टी स्काउंडरल, यू इडियट। सॉरी, I misunderstood. I'm sorry. No. Later. मतलब लेकिन तुम मुझे देख रही थी ना? हाँ? मुझे देख रही थी, मुझे पता है। यू आर लुकिंग एट मी, प्लीज सिर्फ एक बार बोलिए कि तुम मुझे देख रही थी। प्लीज, मुझे देख रही थी ना, एक बार, सिर्फ एक बार। मैं तुम्हें देख रही थी। क्या? हाँ? मैं तुम्हें देख रही थी। Does my ears deceive me? प्लीज जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, आपको सुनाई दे रहा है? एक और बार बोलिए प्लीज। लिस्ट स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे? ठीक है, मैं तुम्हें देख रही थी। अरे आंटी जी, थैंक यू, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू, थैंक यू। बाय आंटी, थैंक यू। एंड बाय द वे नेहा, कल 4 बजे बस स्टॉप पे जरूर मिलने, भूलना नहीं। ओके? मैं नहीं आने वाली। अरे आई नो यू विल कम यार, 4 बजे। नेवर, नेहा, डोंट बी रिडिक्युलस यार, 4 o'clock, डोंट फॉरगेट। हां ओके, लव यू। ठीक, 4 बजे हां बस स्टॉप पे। मैं नहीं आने वाली। What's the time? 5 बज रहे। You. मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। पता है, मैं भी वही देख रहा था
के पिछले एक घंटे से तुम मेरा इंतजार कर रही हो। वाओ, यही प्यार की पहली निशानी है नेहा। प्यार की नहीं, नफरत की, और मैं तुम्हें यही बताने आई थी। बट आई लव यू या नेहा। लव योर अ फ्लर्ट। तुम जैसे लड़के लाइफ में कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। आई एम वेरी सीरियस या नेहा। My love for you is not a one-night stand or anything, huh? Okay? My love for you is love at first sight. यार, मैं तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवार चाहिए मुझे। You know, 10-12 बच्चे, पूरी क्रिकेट टीम। और मुझे पता है कि तुम यही चाहती हो, है ना? Actually, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। अच्छा? तो मर जाओ ना। Really? Positive. Okay. इसे पहचानती हो नेहा? साइबर कैफे में छोड़ के चली गई मेरे लिए। रॉकी, रॉकी वापस आ जाओ। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। रॉकी वापस आ जाओ। रॉकी जाने दो नेहा। रॉकी मत जाओगे। रॉकी प्लीज। रॉकी अब मैं नहीं आऊंगा। I love you. Rocky, Rocky, please. Rocky, Rocky, वापस आ जा। Rocky. See you later, Neha. Rocky. I'll always love you, Neha. Rocky. 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 Are you mad? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कह दो ना, I love you. अभी भी कहने की जरूरत है या दू एक?
बच्चा। ओके आई गेट योर पेप्सी। नहीं पति परमेश्वर, मैं लाती हूँ आपके लिए। श्योर? रियली? आयुष्मान ब्रो। श्योर। ओके। एक्सक्यूज मी। यस। मे आई हैव टू पेप्सी? श्योर। ए गाड़ी हटाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, उठो उठो मामा, आओ गाड़ी हटाओ, चलो ए गाड़ी हटाओ, देखो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, चलो 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 उठो। अरे ये जगह अपुन के एंथनी भाई की है। और इधर 30 वाले का टावर आएगा, क्यों भाई? चल तेरे को एक बाथरूम दे देता हूँ, चल। बाथरूम बाथरूम की बात बाद में करना है, चलो उठो, एक कचरे का डिब्बा हटा यहाँ से, चलो उठो। तेरी तो क्या रे, क्या बोला तू? साइड में हट, चल हट, गाड़ी हटाओ, हटाओ ना। देखो गाड़ी कचरे का डब्बा लग रही है, कचरे का डब्बा बोल रहा है, गाड़ी बोल रहा है, कचरे का डब्बा लग रही है, एंथनी भाई की गाड़ी। क्या चालान बना दूंगा मैं, चल केस बनाएगा, चल 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 केस बना, चल चल केस बना, चल क्यों बना, क्या करेगा, बना बना चल। एक मिनट, सॉरी हवलदार साहब, ये क्या लफड़ा कर रहे हैं आप? लफड़ा तो ये लोग कर रहे हैं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, अब अगर कुत्ते की दुम जितनी भी सीधी करने की कोशिश करोगे, कुत्ता तो काटेगा ही ना, आफ्टर ऑल अ डॉग्स अ डॉग। ए तो कुत्ता, कुत्ता किसको बोल रहे? अरे भाई साहब, मैं आप लोग के फेवर में हवलदार साहब को समझा रहा हूँ। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे साहब? ये लोग कानून तोड़ रहे हैं। अरे तो तोड़ने दो ना यार, तेरा बाप का क्या जाता है, कानून तोड़ने के लिए होता है ना। ट्रू, आजकल शरीफ लोग कानून तोड़ रहे हैं यार, ये लोग तो प्रोफेशनल गुंडे हैं, इनका तो हक बनता है। ए शाने, तू इसको समझा रहा है कि आप उनको गाली दे रहा है? जी 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 जी, गाली और तुम्हें? यार मुझे अपना मुंह गंदा नहीं करना है, हाँ लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए हाथ जरूर साफ करने पड़ते हैं, है ना? क्या बोलते हैं आप, राइट? रॉकी ने? आई डोंट नो ब्रदर, रॉकी के साथ तो अपुन का लफड़ा ही नहीं था। लफड़ा तो अपुन का वो ट्रैफिक के हवलदार के साथ में था, मगर वो रॉकी बीच में आ गया। अच्छा, रॉकी का तुम दोनों के साथ कोई लफड़ा नहीं था? वो तुम दोनों के बीच जबरदस्ती आया? यस ब्रदर। और तुम दोनों को अरे बारिश में धूप कैसे निकल आई? तुम्हें नहीं पता क्या? गधा गधी की शादी हो रही है। तुमने मुझे गधी कहा? मेरा मतलब नेचुरली यार, तुम ही तो बताओ, इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की मेरे जैसे गधे के चक्कर में कैसे आ गई? Absolutely right. अच्छा एक बात बताओ। क्या? Why did you fall in love with a guy like me? तुम थोड़े handsome। थोड़ा? थोड़ा। बहुत। नहीं तुम दिल वाले हो। वो तो हूँ। हाँ। और you very brave। Brave हाँ? I'm your man. याने मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। बहुत सारी, लेकिन तुम बताओ तुमने मुझ में क्या देखा? तुम में? हाँ।
यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें देखा ही क्या नहीं यार. Actually, you know, तुम सोच रहे हो? Seen you, yeah. तुम्हारे प्यार ने मुझे अंधा कर दिया नेहा. Rocky, अपन ने बोला था ना तेरे को अपन का लाइन नहीं क्रॉस करने का, लेकिन तेरे इस भेजे में अपन का बात नहीं जाता. आखिर तूने अपन का लाइन क्रॉस ही कर डाला. किसकी लाइन? कैसी लाइन? कौन सी लाइन? मैंने तुम्हारी लाइन कभी क्रॉस नहीं की एंथनी. सच बात तो यह कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लाइन मारने की फुर्सत ही नहीं. थैंक यू. तो अब उनका भाई किसका मेहरबानी से अस्पताल पहुंचा? ऊपर वाली की. जरूर उन्होंने उनकी लाइन क्रॉस की होगी. शाना बनता है एंथनी के साथ, शाना बनता है. आप उनके भाई ने तेरे बाप को मारा, तेरी माँ को मारा, तेरी बहन को नहीं ना? अरे उसने तो एक मामूली हवलदार को मारा, वो तेरा क्या लगता है? मेरा भाई, और हर कोई ईमानदार और शरीफ आदमी मुझे मेरा भाई लगता है, और वो मेरी लाइन है एंथनी. और माँ कसम, जो भी उसे क्रॉस किया ना, उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ. अब उनको नहीं छोड़ेगा. आई लाइक इट. एंथनी को बोलता है क्या अब उनको लाइन नहीं क्रॉस करने का. अच्छा जिगर है तेरे में. जितना तू छोकरी से प्यार करता है ना, उससे कहीं ज्यादा अपन अपन का भाई से प्यार करता है. तूने अपन का भाई को मारा, दर्द अपन को इतना हुआ. और आज अभी इसी वक्त अपन भी तेरे को उतना ही दर्द देगा जितना तूने अपन को दिया. और तू जानता है रॉकी, तू अपन का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि जब अपन खड़ा तो सरकार से बड़ा. नेहा, मैं तेरे सामने हूँ. नेहा, आंखें खोल ना. Yeah!
सुनिए। हाँ यस अंकल, मुझे आपकी बहू की मौत का बेहद अफसोस है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप? ये एंथनी बाबा, आपकी बहू का मर्डर इसी बेचारे को करना पड़ा। अंकल शहर छोड़ के जाओ, नौकरी वो भी छोड़ दो। जल्दी सोच ले, नहीं तो तेरी बहू की तरह तुझे, तेरी बीवी, और हाँ हाँ उसका नाम क्या है? रॉकी। हाँ रॉकी, तीनों को बीच चौराहे में ले जाकर काट डालूंगा। तू शहर में रहेगा तो आप उनको टेंशन होता है, बदला पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं पसंद आप उनको ये सब। I don't like it. You're a good father. I want you to leave. You will leave, won't you? Start packing. Aaj. Abhi. इसी वक्त। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, हमारे निकलते ही राहु काल खत्म। ओके। आंटी। रॉकी बख्श दे हमें, माफ कर दे हमें। वो एंथनी हमें शहर छोड़ने की धमकी देकर गया है, अगर हमें जरा सी भी देर हो गई ना तो। डोंट टच। क्या लेने आया है यहाँ पे? अब हमारी जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी रिलेशनशिप विद अ किलर। नो डैड, आई एम नॉट अ किलर। प्लीज। यस You are a killer. नेहा को किसी और ने नहीं, तुमने मारा है। You have killed her. बहुत शौक था तुझे लोगों की मदद करने का, भलाई करने का, एक जिम्मेदार शहरी बनने का, पुलिस से लड़ने का और गुंडों से भिड़ने का। जा, अब जा, जाके उसे एंथोनी को भी मार डाल। जेल जा, फांसी चढ़ और जो जी में आए वो कर, लेकिन हमारी जिंदगी से बाहर निकल। अब तू हमारे लिए मर चुका है। रॉकी, आज तक तेरी हर शरारत को मैंने बचपना समझ के टाल दिया, हमेशा तेरा साथ दिया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था तेरी शरारत एक दिन किसी की जान ले लेगी। तू चला जा यहाँ से प्लीज, मैं समझूंगी, मेरा कोई
नेहा की इस भयानक मौत से रॉकी टूट गया, बिखर गया। उसका वो जोश, वो जुनून, वो जिंदा दिली सब खत्म हो गई। उसकी आंखों ने सब कुछ देखकर भी देखना बंद कर दिया, उसके कानों ने सब कुछ सुनकर भी सुनना बंद कर दिया। जैसे अपनी ही हारी हुई परछाई बन के रह गया वो। उसने अपने मां बाप के शर्तों पर जीने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो उनके साथ शहर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर लंदन चला गया। दूसरों की लड़ाई लड़ने वाला रॉकी खुद अपनी लड़ाई हार गया, लेकिन उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एंथनी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मुकुल जल्दी कर, वी आर गेटिंग लेट। अरे मैं तो रेडी हूँ यार, पर वो दोनों विटनेस टाइम पर कोर्ट में पहुंच जाएंगे ना? बोला तो था पहुंच जाएंगे यार। अरे क्या बोला था, रिमाइंड कराया था उनको तुमने? उन्हीं पर आज सारा जजमेंट टिका हुआ है। कर कर कर, फोन कर, जल्दी कर। ले बात कर, जल्दी आने को बोल उनको यार। हेलो हवलदार साहब। हाँ विक्रम साहब बोलिए। याद है ना ठीक 12 बजे कोर्ट पहुंचना है? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, इस दिन का इंतजार तो मैं कब से कर रहा था। और हाँ श्यामलाल जी भी है मेरे साथ। उस दिन हम लोगों ने जो भी अपनी आंखों से देखा है एक एक बात हम कोर्ट को बताएंगे। विक्रम जी। हेलो। हाँ वकील साहब। बाबा वकील का फोन है, आज कोर्ट में आखिरी पेशी है। एक घंटे के बाद फोन करना। मैं कोर्ट आ रहा वर्सेस एंथनी डिसिल्वा केस के इस मामले में पुलिस कोई भी आई विटनेस पेश नहीं कर सकी। सबूतों के अभाव में यह अदालत एंथनी डिसिल्वा, रंगा, जस्सी, हनीफ और सलीम को बाइज्जत बरी करती है। अब उनखाड़ा तो सरकार से पड़ा। शिट! साला एंथनी अपने गुंडा गर्दी और पैसों की ताकत से वापस ये केस जीत गया। उसने दोनों विटनेस को दिन दहाड़े मरवा दिया, ये कानून है। आज अगर रॉकी होता तो फैसला कुछ और होता यार। चुप कर यार, रॉकी होता तो क्या कर लेता, खुद लंदन में 3 महीने से मुंह छुपा के बैठा हुआ है, पूछा भी नहीं केस का क्या हुआ। जस्ट शट अप होके उसके बारे में एक शब्द भी बोला तूने तो? या सब कुछ जानते हुए तू ये बात बोल रहा है? उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा है तुझको? एक मिनट, देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग भी अपील कर सकते हैं, अपने पास 1 महीने का टाइम है। भाई साहब उसके लिए भी रॉकी चाहिए। अपील करेंगे। लगता है अब रॉकी को लंदन से लाना ही पड़ेगा। लंदन गाइड अभी तक तो बोनी भी नहीं हुई।
Hi there. Are you Indian? Yes, I am. Great. I'm Priya Mathur, the London tour guide. Hello. आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? जी मुझे इस पते पर जाना है। जाएंगे जाएंगे, मैं लंदन की हर गली और हर एक इंडियन को अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आपने अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया। जी मेरा नाम विक्रम भट्ट है। नहीं नहीं, आप कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? वैसे आपको पता है आजकल हर दूसरी तीसरी बॉलीवुड फिल्म जो है इधर लंदन में शूटिंग होती है। आपको तो ये पता होना चाहिए। हाँ आपको पता होगा, देखिए इतने पैसे जो बचाते हैं। वैसे इंडियन इस मामले में बहुत स्मार्ट है ना फिर? देखिए मेरा नाम विक्रम सिंह है, मेरा या मेरे परिवार वालों का फिल्म लाइन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? खैर छोड़िए, ये रहा पार्लियामेंट हाउस, लंदन की सबसे मशहूर जगह, और यही इसके साथ है द बिग पेन। बिग पेन? ये है मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम, जहाँ पे अमिताभ बच्चन का भी स्टैचू है। अमिताभ जी का? और अब हम पहुँच गए हैं मशहूर लंदन ब्रिज के ऊपर। स्टॉप मैन स्टॉप। अरे क्या हुआ? देखिए मैं यहाँ बैंक मैनेजर अजय सिन्हा से मिलने आया हूँ, और आप है कि मुझको सारा लंदन दिखाई जा रही है। मिस्टर सिन्हा तो हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम उन्हें इंडिया से जानते हैं। वो हमारे बगल में मेरे घर के बिल्कुल पास रहते हैं, मेरा यकीन करो। देखो देखो मैं आपके कोई भी झांसे में नहीं आने वाला, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप गाड़ी रोकिए। आपको जगह ही नहीं पता, आप कैसे जाओगे? मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, वो बिल्कुल मेरे घर के पास रहते हैं। इनफैक्ट हम अगर जल्दी चलेंगे तो हम उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि हर वीकेंड वो अपने बेटे रॉकी से मिलने जाते हैं। रॉकी? आप रॉकी को जानती हैं? रॉकी को कैसे नहीं जानोगे, ही इज माय बॉयफ्रेंड। आंटी अंकल हेलो, देखो मैं इंडिया से किसको लेके आई हूँ, से हेलो टू मिस्टर विक्रम। अरे विक्रम अंकल, अंकल आप रॉकी से मिलने फार्म हाउस जा रहे हो ना आज? हाँ आज तो संडे है, जरूर जाएंगे। व्हाट टाइमिंग यार, चलो। अरे अंकल मैं भी चलता हूँ ना। हाँ जाओ जाओ इनके साथ, चलो जल्दी चलो। रॉकी को मेरा हाय बोल देना। ड्राइवर स्टॉप द कार। देखो विक्रम, मैं वहां प्रिया के सामने कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। आखिर तुम सब दोस्त चाहते क्या हो? जो हुआ वो काफी नहीं है? He is totally shattered, टूट चुका है वो। हम किसी तरह उसे समेटने की, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम ये नहीं चाहते कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए? हम सब पर क्या गुजरी है ये तो तुम जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि पिछले 3 महीनों से रॉकी कैसे जी रहा है। रॉकी पिछली यादों में चला जाएगा, हम उसे खोना नहीं चाहते। वो एकांत में सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंकल मैं तो एंथनी के केस। एंथनी को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। नहीं अंकल, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। रॉकी से हमने यही कहा है और तुम भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। Is that clear?
हाय रॉकी। ए विक्रम, कैसा है यार? कब आया यार? बस आज ही आया हूँ। कैसे आना हुआ? बस तेरे से मिलने आया यार। हाय डैड। हाय। मदर कहाँ है? तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा, और बता रॉकी, हाउस लाइफ? विक्रम, यहाँ पे आके पता चला कि रियल लाइफ क्या है और जिंदगी में क्या क्या मिस किया। यार तुझे पता है वहाँ मुंबई में क्या? यहाँ का माहौल ही कुछ अलग सा है ना, सुख शांति पीस ऑफ माइंड सब कुछ तो मिल रहा है मुझे यहाँ। यार तेरे को पता है? और तुझे पता है यहाँ पे किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नो कंप्लेंट्स नो शिकायत, सब मजे में रहते हैं सब। यार मैं उस केस के बारे में बात करने, विक्रम बात करनी है तो ढलते हुए सूरज की बात कर या खिलते हुए गुलाब की बात कर, मैं इन्हें पहचानता हूं, इन्हें जानता हूं। दिस इज माई लाइफ नाउ एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माई पास्ट। ओके, पूछने की भी जरूरत है क्या? Actually, yeah. Why am I being so formal? After all, you are my boyfriend. कहाँ जाना है प्रिया? सितारों से आगे। Don't worry, रास्ता मैं बता दूंगी। घर जाना है, चलो। You know, Rocky, जब मैं तुम्हारे साथ बाइक पे चलती हूँ तो फिर दिल ऐसे करता है कि रोड कभी खत्म ही ना हो, बस तुम और मैं और तुम चलते जाए और मंजिल कभी ना आए।
कर तुझ पे ये दिल दीवाना, कुर्बान हो गया तुझ पे ये दिल दीवाना, कुर्बान हो गया। चाहतों ने किया कुछ ऐसा मुझ पे असर, मैं तो सारे जहां से अनजान हो गया। दिल मेरा मांग ले, मुझे दे दे अपना दिल, दिल मेरा मांग ले, दिल रंग ले प्यार दे नाले रंग ले। घर आ गया प्रिया। हाँ? घर आ गया। इतनी जल्दी क्यों आ गया लॉकी? ओके ओके थैंक्स फॉर द लिफ्ट एनीवे। ओके थैंक्स। नहीं, ये करना जरूरी है। लेकिन रॉकी से तो एक बार। रॉकी की भलाई इसी में है। इतने दिन हो गए हैं तुम्हें लंदन आए हुए और अभी तक तुम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। अब तो विक्रम भी आ गया है। Why don't you go out and make some new friends? प्रिया एक अच्छी लड़की है। She's a nice girl. कुछ लेंगे आप? बस थोड़ी बोलती ज्यादा है। मैं ये सोच रहा था कि I was just thinking about life किसी के लिए रुकती नहीं है। You have to keep on moving। अगर तुम्हें प्रिया if you really like her, मैं उसके डैडी से बात कर सकता हूँ। रॉकी दर्द समझती हूँ बेटा। अंकल मेरा लोन 15-20 दिन में सैंक्शन हो जाएगा ना? डोंट वरी प्रिया, एक हफ्ते में ही सैंक्शन करवा दूंगा। That's great. Priya tours and travels. इसका inauguration तो मैं रॉकी के हाथों से ही करवाऊंगी। Hey, stop! Get it! Where are you running off to? You're gone!
ये लीजिए अंकल आपका बैग। मुझे तो लगता था कि ये सब अपने इंडिया में ही होता है। अंकल क्राइम दुनिया के हर कोने में होता है, लेकिन जो मैंने किया वो सिर्फ एक इंजन कर सकता है। Let's go, बेटा। जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था तेरी शरारत एक दिन किसी की जान ले लेगी। Help me. You are a killer. Help me. What's up? I just want the girl. For what? She's my friend. She's a friend for what? Supposing I don't release her, what are you going to do? You Nothing, want to fight man, me? Just... Fight me! No. Fight me! I want you to fight me! Come on! I don't want to fight. You come for peace? Peace. 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 He come for peace. Give it to him. Oh, I'll ask you. Rocky, police station jana hai. Forget it, Priya. Chalo, ghar chalte hain. What? देखा नहीं क्या हुआ? इन्होंने मुझ पे अटैक किया था, मेरे बाल काटे, मेरा रेप हो सकता था, तुमने क्या किया? गुंडे हैं प्रिया, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं, चलो। Don't touch me. मुझे शर्म आती है कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त समझा था। प्रिया, I hate you, Rocky. प्रिया, प्लीज। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। प्रिया, प्रिया, ए रॉकी, ये क्या हो गया तुझको यार? तू जिंदा है कि मर गया? मैं मुंबई से यहां तक वापस जाने के लिए आया हूं ताकि उस एंथनी को सजा दिलवा सके। और तू है कि एंथनी? हां, उसने हमारे दोनों विटनेस को मरवा दिया और कोर्ट ने भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया यार। ये तो क्या कह रहा है विक्रम? हां, क्या कह रहा है तू? मगर अभी भी हमारे पास अपील करने का वक्त है यार। लेकिन डैड ने मुझे कहा था कि उसे उम्र कैद की सजा मिली थी यार। उन्होंने झूठ बोला था यार।
वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि तेरे को ये बात पता चल सके और तुम मेरे साथ वापस इंडिया आ सके। वो तेरे को खोना नहीं चाहते यार। रॉकी, रॉकी सुन ना यार, रॉकी। प्रिया, क्या हुआ बेटा? कल का बदला लेने के लिए कुछ गुंडों ने मुझे अकेले पाकर मेरे बाल काट दिए। मैंने रॉकी को वहां देखा और हेल्प के लिए चिल्लाई भी, लेकिन पुलिस स्टेशन तक नहीं चला। ऐसे में तो एक जानवर, एक कीड़ा भी रिएक्ट करता है, मगर ये अब समझ में आ रहा है कि तुम सबसे इतना अलग अलग क्यों रहते हो। अपनी असलियत छुपाने के लिए तुमने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा है। बिकॉज इन रियलिटी रॉकी, तुम एक बेहद कमजोर, बुजदिल और डरपोक इंसान हो। यू हैव नो गट्स। आपने देखा, मुंह छुपा के यहां से भी भाग गया। बस आंटी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? और अंकल, आप एक पत्थर की मूर्ति की तरह सब सुने चले जा रहे। बताते क्यों नहीं कि सच्चाई क्या है? क्या वजह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रॉकी चुपचाप है? बताते क्यों नहीं उसको तो आपने मार डाला है? बताते क्यों नहीं, अगर यही हादसा 3 महीने पहले मुंबई में हुआ होता तो रॉकी क्या करता? विक्रम। अंकल, मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। प्रिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि रॉकी ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा रखा है, उसने अपने आप को छुपा रखा है। अरे, उसका दोस्त होकर भी मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूं। जिस रॉकी को मैं जानता था, वो एक जुनून, एक जोश और एक तूफान था। He used to rock the world. तुम कहती हो कि वो कमजोर है, बुजदिल है, he has no guts. मगर सच बात तो यह है प्रिया, कि वो आज भी सच्चाई और जाबाजी की कीमत चुका रहा है। 3 महीने से वो आदमी हर पल हर घड़ी घुट घुट के मर रहा है। पता नहीं था कि तुम अपने अंदर इतना कुछ समेटे हो। मुझसे कभी शेयर तो क्या होता रॉकी? Again to welcome you. Now we'll do something. We are the 4 bad boys of this world. Police station?
report? We rape you? But we haven't got anything. Babe! Somebody please help now. Me! Now! Help! Report? Police? Help me, please! Rape you? Please call the police! No. 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 Those people are trying to rape my daughter. प्रिया को बचा ले वरना एक और नया इन दरिंदों की बलि चढ़ जाएगी। प्लीज रॉकी जाओ कुछ करो। आज आपको पता चला कि अपनों को खोना क्या होता है, जान लेने का दर्द क्या होता है। आज आपको पता चला कि सच्चाई के पीछे मुंह छुपाना भागना कायरता है। आज आपको पता चला कि यह दुनिया बुजदिल और कायर लोगों के साथ भरी है। आज आपको पता चला कि ऐसी बदमाशों ने नेहा का खून किया। मैं भी चीखा, मैं भी चिल्लाया डैड, लेकिन मेरी मदद करने कोई नहीं आया, कोई नहीं। सब तमाशा देख रहे थे साले। पता है क्यों? क्योंकि कोई दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता, नहीं डालता। ये आपको आज पता चला, आज पता चला आपको। मैं नेहा को क्यों मारता था? क्यों? मैं नेहा से प्यार करता था। मैंने नेहा को नहीं मारा था। मैंने नेहा को नहीं मारा डैड, नहीं मारा नेहा को। आई लव हर, आई लव हर। रॉकी, नहीं बेटे, नहीं। आज मुझे एहसास हो गया कि दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाला लाखों में कोई एक होता है, और वो है मेरा बेटा रॉकी, जिसे मैंने अपनी नासमझी से खो दिया था। चलो बेटा लौट चले। I love you, Dad. रॉकी खबर अच्छी नहीं है। रॉकी वापस आ गया है, उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी है। यह केस फिर से खुलने वाला है। अंकल मैंने आपको इतना समझा कर इज्जत से भेजा, मगर मुझे नहीं लगता आपको मेरे प्यार की बादशाह समझ में आई।
And now that you're back, I don't like it. And frankly, मुझे लगता है आपका पैलेस थोड़ा हिल गया है। तूने तो सिर्फ पानी फेंका है, इसका जवाब तुझे तेजाब से मिलेगा। बाबा ये क्या कर रहा है? हाँ, ऐसी बातें तो दो ही लोग करते हैं, या तो वो जो पागल हो या वो जिसके पीछे कोई पावर हो। तेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे मेरा बेटा रॉकी है। रॉकी कहाँ है तेरा बेटा रॉकी? वो वहीं तेरा इंतजार कर रहा है जहां तूने मेरी बहू को मार डाला था। जल्दी आ, जल्दी जल्दी वो रॉकी जल्दी मार 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 और मार। अरे रॉकी चलो रॉकी रॉकी
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.